अगर आप भी परेशान हैं अपने चेहरे की बढ़ती हुई डलनेस से, चेहरे के ऊपर झाइयां और झुरियां अगर बहुत ज्यादा बन रही हैं, डार्क स्पॉट्स पैचेस बहुत ज्यादा अगर होते जा रहे हैं, तो एक बार इस रेमेडी को एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बहुत ही कम सामान के साथ में मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ प्रॉपर एक स्किन केयर, जिसमें हम अपने फेस को सबसे पहले करेंगे क्लीन। देखिए, क्लीनिंग हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है, क्योंकि अगर आपके चेहरे के ऊपर गंदगी, धूल, मिट्टी होगी ना, तो आप आगे के जो भी स्टेप करेंगे उसका फायदा नहीं पहुंचेगा, मतलब प्रॉपर फायदा नहीं पहुंचेगा। थोड़ा बहुत तो ऑब्वियस है, पहुंचना ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे कच्चा दूध। देखिए, ठंडा कच्चा दूध है, हम ले लेंगे करीब एक चम्मच के आसपास, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। एक ही चम्मच आपने अपनी स्किन केयर को जो क्लीनिंग करने के लिए लेना है वो आपने लेना है। इस कच्चे दूध में हम मिलाएंगे चुटकी भर कस्तूरी हल्दी। देखिए, स्किन को क्लीन करना जितना जरूरी है, क्यों जरूरी है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर स्किन के ऊपर एक गंदगी की लेयर बैठी होती है ना, वो हमारी स्किन को जो भी हम लगाते हैं पहुंचाने नहीं देती है। तो हमें अपने चेहरे को सबसे पहले क्लीन अप करना चाहिए। क्लीन अप करने के लिए आप कच्चे दूध का यूज कर रहे हैं जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसके पहले हो सके तो एक बार फेस वॉश जरूर कर लीजिएगा, ताकि चेहरे के ऊपर जो मेकअप लगा हुआ है वो हट जाए। ठीक है, हम डाल देंगे इसमें कस्तूरी हल्दी, कच्ची हल्दी, मतलब कस्तूरी हल्दी है ये। आपके किचन में जो हल्दी रखी होती है ना, उसमें केमिकल मिक्स होते हैं, इसलिए मना किया जाता है कभी भी किचन की हल्दी यूज करने से, क्योंकि कलर को टिंट दे देगी, मतलब हमारे चेहरे के ऊपर ना पीला पीलापन छोड़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और अगर पीलापन आ जाएगा चेहरे के ऊपर तो क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा पीलिया हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ले लिया है कच्चा दूध, उसमें हमने मिला ली है चुटकी भर हल्दी। अब इसको हमने लगाना है कॉटन के साथ में। सबसे पहले हम अपने चेहरे का क्लीन अप कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपने चेहरे के ऊपर जो जो गंदगी की लेयर इकट्ठी हो रखी है डेड स्किन के साथ में, उसको रिमूव करेंगे। तो करना कैसे है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, इस तरीके से कॉटन में ले लेंगे और चेहरे के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, गोल 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 घुमाते घुमाते आपने इसको लगाना है जी। अच्छे से क्लीन तभी होता है जब बाल ना हो फेस के ऊपर। ये लीजिए, अब हम करेंगे अपने चेहरे की क्लीनिंग। तो ये आपने अपने चेहरे पर इस तरीके से सबसे पहले दूध लगा लिया, और अब आपने हल्के हल्के हाथों से इसको घुमाना है। इससे ये होगा कि जितनी भी गंदगी होगी वो सारी की सारी इस कच्चे दूध के साथ में निकल जाएगी। जब हम दूध लगा रहे थे, दूध था हमारा हल्का सा क्रीम कलर का, और अब देखो दूध का जो कलर है वो डार्क हो गया है, यानी कि गंदगी जो है मेरे चेहरे की वो सारी के सारी इस दूध में दिखाई दे रही है। देखो हल्का हल्का सा ना मटमैला कलर हो गया है इस दूध का। तो हमने अपने चेहरे को पहले क्लीन कर लेना है, और इसी बाउल में हम लोग बनाएंगे अब हमारे स्किन का स्क्रबर। स्क्रबर बनाने के लिए हम लेंगे हनी का। सबसे पहले हम लेंगे शहद, करीब करीब एक चम्मच के आसपास हम इसमें शहद यूज करेंगे। स्क्रबिंग क्या करती है, स्क्रबिंग आपके चेहरे की जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करती है। स्क्रबिंग के लिए दो तीन ऑप्शन दे देती हूँ, जो आपके पास हो आप उसको यूज करिएगा। मैं ले रही हूँ एक चम्मच भर के कॉफी का। ठीक है, कॉफी कलर को फेयर करती है, इसमें कैफीन पाया जाता है जो आपके चेहरे की डेड स्किन को हटाता है, और उसके साथ ही चेहरे को चमकाने का काम करता है। तो हमने डाल दी इसमें अभी थोड़ी सी कॉफी, लेकिन कॉफी नहीं डालनी है, इसके साथ में इसमें एक और चीज डालेंगे जो स्किन की पॉलिशिंग के लिए बेस्ट काम करती है। मेरी फेवरेट है ये खांड। देखिए इतनी रह गई, अब इसको वापस से भरूंगी क्योंकि कम हो जाती है मेरी, भैया बहुत ज्यादा यूज में आती है खांड। आपको राशन की दुकान पे मिल जाएगी। कितनी खांड लेनी है, करीब करीब आधा चम्मच आपने खांड लेनी है। मैंने आधा चम्मच क्यों ली है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें कॉफी मिक्स की है, लेकिन क्योंकि खांड बेस्ट काम करती है हमारी स्किन की स्क्रबिंग के ऊपर, इसीलिए खांड हमें जरूर से जरूर मिलानी है। अब हम इसमें मिलाएंगे सिर्फ और सिर्फ दो ड्रॉप कच्चे दूध का, ज्यादा नहीं मिलाएंगे, सिर्फ दो ड्रॉप, बहुत ज्यादा मत मिला दीजिएगा, नहीं तो ये पतला हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी हनी मिलाया है, नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम इसको अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। जो कॉटन हमने पहले यूज किया था वही वाला कॉटन मैं ले रही हूँ, क्योंकि उसमें ऑलरेडी दही दूध था ही ना, तो हम उसी कॉटन से इसको लगा लेंगे। आप चाहें तो फ्रेश कॉटन ले सकते हैं। गोल 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 करते हुए आपने इसको लगाना है। देखिए, स्क्रबिंग अगर करके बहुत दिन हो गए हैं तो आपका चेहरा ऑब्वियस है, बहुत ज़्यादा डल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर चेहरा कभी आपको लगे कि बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन चेहरे की डलनेस नहीं जा रही है, तो समझ लो आपके चेहरे के ऊपर आपने इकट्ठी कर ली है बहुत सारी डेड स्किन, जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हटेगी तो आपका चेहरा कुछ भी लगा लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखने वाला है। ये देखिए इस तरीके से हम, और नाक के पास में स्पेशली आपने इसको ज़रूर से ज़रूर लगाना है।
ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हो गया। और 4 से 5 मिनट मसाज कर लेना अगर आपने बहुत दिन से स्किन केयर नहीं किया है। अगर आप स्किन केयर रेगुलर तौर पे करते हैं तो 3 मिनट की मसाज काफी रहने वाली है, उसी से ही आपका चेहरा बहुत अच्छे से पॉलिश हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लगा लिया है। अभी मैं इसको हटाऊंगी नहीं, मैं इसको एज इट इज छोड़ने वाली हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। तब तक हम तैयार करेंगे हमारे स्किन का क्रीम। अब हम तैयार करेंगे हमारे स्किन के लिए एक क्रीम जो कि विटामिन सी की क्रीम होगी, ठीक है। इसको हम एक बार के लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम डालेंगे एलोवेरा जेल। करीब करीब 2 चम्मच के आसपास आप इसमें एलोवेरा जेल मिला लीजिए, ठीक है। विटामिन सी का हम लोग क्रीम बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। विटामिन सी किस लिए? ताकि वो आपके डार्क स्पॉट्स को हटा सके। ओके, तो हमने ले लिया करीब करीब 1 चम्मच के आसपास एलोवेरा जेल। इसमें हम मिलाएंगे कोई भी एक सोर्स विटामिन सी का। आप चाहिए तो आप ऑरेंज का रस मिला सकते हैं। मैं नींबू मिलाने के लिए हमेशा मना करती हूँ क्योंकि नींबू काफ़ी लोगों को नहीं सूट करता है। तो हम या तो ऑरेंज का रस मिलाएंगे और नहीं तो जैसे कि मैं मिला रही हूँ टमाटर का रस, में हमें टमाटर का रस मिलाना है। टमाटर में भी बहुत ज़्यादा आपको विटामिन सी की प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं जो दाग धब्बों को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। तो करीब करीब 1 चम्मच हम इसमें टमाटर का रस मिलाएंगे। इसके साथ में हम इसमें मिलाएंगे हनी करीब 1 चम्मच के आसपास। 1 चम्मच हम इसमें हनी मिला लेते हैं। देखिए जो क्रीम मैं बना रही हूँ ना, ये आप एक बार ही बनाएंगे और अभी के अभी यूज़ करेंगे। जैसे पार्लर जाते हैं फेशियल कराते हैं ना, बस वैसे ही आपको ये क्रीम अपने चेहरे पर लगानी है। तो 1 चम्मच हमने इसमें मिला दिया है हनी। इसके साथ में आपको मिलाना है कोई भी एक विटामिन ई का ऑयल। उसके लिए मैं मिला रही हूँ इसमें कैप्सूल जो कि विटामिन ई का कैप्सूल है। आपको बहुत आसानी से ये ऑनलाइन मिल जाता है। कितना मिलाएंगे? करीब 1 चम्मच के आस एक कैप्सूल हम इसमें मिलाएंगे विटामिन ई ऑयल का, ठीक है। ये देखिए ये जितना भी क्रीम मैं आपको बना के दे रही हूँ ना, इसको आप रेगुलर तौर पे ऐसे भी अपनी स्किन पे लगा लिया करना। और कितनी देर लगाना है ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी इसके साथ ही बता देती हूँ। क्रीम बहुत अच्छी है ये विटामिन सी की क्रीम। ऐसे मार्केट में जाओ तो कितने की मिलती है आपको भी पता है। अब इसमें तो हमें विटामिन सी भी मिल गया, विटामिन ई भी मिल गया। तो लीजिए जी, अच्छे से ये ड्राई हो गया है। अब हम इसको वॉश करेंगे। मैं आपको ऐसे क्लीन करके दिखा रही हूँ, फिर मैं जाके इसको वॉश करूँगी। ये क्रीम लगाने से पहले आपने करना है। और देखो कितने बढ़िया से एकदम चेहरा एकदम क्लीन हो गया। देखिए कितने बढ़िया से घर पर ही आपकी स्किन का पॉलिशिंग हो गया और बिना कुछ लगाए। सी कितने बढ़िया से क्लीन हो गया हमारा फेस। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। गर्दन वर्दन पे भी अच्छे से लगा लेना जब भी आप इसको लगाओगे इस तरीके से। मैंने हल्का सा गीला स्पॉन्ज किया है खाली और उसके साथ ही क्लीन कर रही हूँ। कितने बढ़िया से एकदम मेरा फेस क्लीन हो गया। स्क्रबिंग भी हो गई, क्लीनअप भी हो गया, पॉलिशिंग हो गई, सब कुछ एक साथ। ये देखो और क्या चाहिए आपको। इसी बात पे एक लाइक दे दो और मुझे बता दो कहाँ से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो लीजिए जी, हमने अच्छे से क्लीन कर लिया। अब हम लगाएंगे हमारा जो क्रीम हमने बनाया है, ठीक है जी। ये देखिए अच्छे से लगाएंगे अपने फेस के ऊपर और हमने करनी है अब मसाज। मसाज ज़रूर करिएगा क्योंकि मसाज करेंगे तभी आपके चेहरे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होगा और जो भी चीज़ें आप अपने चेहरे पर लगाते हैं आपकी स्किन में जाती है, ठीक है। ये क्रीम आप बना के 2 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको मसाज करेंगे। अगर मसाज नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, आप राउंड राउंड सर्कल करते हुए घुमाते घुमाते करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है फेस के ऊपर। ये देखिए थोड़ी देर में ना आपका फेस आपको लगेगा गरम हो गया है। गरम हो गया यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो रहा है। जी जी, आपने कम से कम 20 मिनट तक अपने चेहरे के ऊपर इस क्रीम को अब रखना है। मैंने मसाज कर ली है, 5 से 6 मिनट हो गया है। अब मैं इसको 20 मिनट तक रखूंगी और उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूंगी। तो मैं आपको मिलती हूँ फेस को वॉश करने के बाद में। होप करूंगी आपको आज की मेरा ये स्किन केयर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत ही मिनिमम सामान के साथ में जब हम अपना स्किन केयर करते हैं ना, उसका रिजल्ट बढ़ बढ़ के आता है। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये स्किन केयर, कमेंट करके बताना जरूर। ये जो कमेंट सेक्शन बॉक्स होता है ना, ये आप ही लोगों के लिए खुला है जहाँ पर आप आके मुझे बताते हैं कि मेरा स्किन केयर में आपको क्या अच्छा लगा है।
कुछ अच्छा लगा है तो भी बताइए, कुछ अच्छा नहीं लगा है वो भी बता के जाइएगा, ठीक है जी। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताना जरूर। की हर तालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, अच्छी है ना? आपकी कैसी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।